अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बाकला कीमा बनाएंगे। हमने बाकला लिया है, ये इतना बड़ा बड़ा होता है, ये सर्दियों में ही आता है, सर्दियों के सीजन में ही आता है, वैसे नहीं आता। तो इसमें से हमने दो, एक में से दो कट कर लिए हैं, साइटों में से छिलके, इसको साइटों में से छिला जाता है। 500 ग्राम कीमा लिया है, ऐसे मोटा मोटा ले लिया कीमा हमने। दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, ऐसे बीच में से हमने कट कर लिया हरी मिर्चों को। दो मीडियम टमाटर हैं, दो मीडियम ही प्याज है हमारी, और दो चम्मच हमने ये दही लिए। सूखे मसालों में हमने आधा चम्मच सादी वाली मिर्चें ली हैं, एक चम्मच पीली वाली मिर्चें ली हैं, 1.5 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है। गर्म मसालों में 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे छोटे, 2 तेज़पत्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 100 ग्राम हमने तेल ले लिया, इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसके अंदर हम गर्म मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम गर्म मसाला डाल देंगे, इसको अच्छे से चटकने देते हैं। देखिए इसमें हमने गरम मसाला और प्याज डाल दिए, इसको हल्का गोल्डन कर लेंगे हम प्याज को। प्याज देखिए हमारी हल्की गोल्डन हो गई, अब इसके अंदर हम कीमा डाल देंगे, सारा कीमा डाल देंगे। देखिए हमने कीमा डाल दिया इसके अंदर, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं प्याज के साथ। इसके अंदर ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, अब 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। देखिए हमारे कीमे को 2 मिनट हो गए थे भूनते भूनते, हमने इसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए और ये दही भी डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्च भी डाल देंगे, अब इसको भी 2-4 मिनट के लिए हम भून लेंगे। दही में दही का थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसालों के साथ, अब अच्छे से भून लेते हैं हम इसे 2-3 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए इसे भूनते भूनते, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अब 3 सीटियां लगा लेंगे इसके अंदर। देखिए हमने 3 सीटी ले ली थी, हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है, अब इसके अंदर हम ये बाकला डाल देंगे सारा। देखिए हमने सारा बाकला इसमें डाल दिया है, अब इसके अंदर 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इसमें 2 सीटी और ले लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा कीमा बाकला तैयार हो गया, आइए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।